नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं आपके साथ प्रेमराज। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इन दिनों एक्शन में। आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य विभाग भी अपने जिम्मा में रखा है। अब वो औचक निरीक्षण पे कभी भी किसी भी अस्पताल में पहुंच जाते हैं। आपको बताते चले कि इसके पहले भी तेजस्वी यादव कई अस्पतालों का निरीक्षण कर चुके थे, पर पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने NMCH गया और वहाँ पे जाके वहाँ के जो अधीक्षक हैं उनको सस्पेंड कर दिया। इसी को लेकर जो IMA के डॉक्टर हैं वो तमाम डॉक्टर बैठे हैं एक साथ। उनका कहना है कि इस तरीके से एक्शन लेना उचित नहीं है, ये बिना सोचे समझे की गई एक्शन है। इस पर सरकार को एक बार सोचना चाहिए। हम लोग सरकार को अल्टीमेटम देते हैं कि वो इस एक्शन को वापस लें। क्या कुछ करें IMA के डॉक्टर, ठीक देखिए आप इस वीडियो में बना हुआ है। पहले हम सरकार को मौका दे रहे हैं ताकि निलंबन वापस ले और हम लोग जो है कोई कार्रवाई न करें, क्योंकि हमको सरकार से ज़्यादा हमको पब्लिक से मतलब है और जन स्वास्थ्य का हम लोग का हड़ताल पर जाने का मतलब या कोई जाने का मतलब है कि जन स्वास्थ्य पर इफेक्ट पड़ता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि हम लोग के कारण या IMA के कारण या हमारे डॉक्टरों के कारण हमारे जन स्वास्थ्य पर असर पड़े। इसलिए हम लोग का वो सबसे अंतिम स्टेप होगा। इसलिए कितने दिनों का अल्टीमेटम दे रहे हैं? सुनिए ना, दिनों का नहीं, सवाल ये है कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो है आज की इतनी चरमराई हुई है कि इसमें एकदम सरकार का दोष है। सभी राज्य में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उसमें कार्यकारी व्यवस्था में सुपरिटेंडेंट और प्रिंसिपल है, कार्यकारी व्यवस्था में चल रहा है। हमको नहीं है कि फलाना को बनाइए, आप जो कार्यकारी व्यवस्था में उन्हीं को परमानेंट बना दीजिए। और ये विनोद कुमार सिंह कार्यकारी व्यवस्था के तहत अपना काम, मतलब पेडियाट्रिक्स का काम देखते हुए सुपरिटेंडेंट का काम करेंगे, इसी तरह की चिट्ठी है। इसी तरह अदर मेडिकल कॉलेज में भी इसी तरह जितना प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट का इसी तरह व्यवस्था किया गया है। तो एक आदमी अपना ही काम करने में इतना अधिक उसका समय लग जाता है। और जहाँ तक सवाल है इनका, ये सुपरिटेंडेंट का, तो उन्होंने कौन ऐसी गलती किया और किया कि आप डायरेक्ट उनको सस्पेंड कर दीजिए? एक तो इनका सस्पेंशन होगा तो एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट पेडियाट्रिक्स होगा, लेकिन आपने सुपरिटेंडेंट के पद से उनको कर दिया जो कि कार्यकारी व्यवस्था में है। इसलिए उनको बहुत होता तो उनको बैक कर देते, आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप उनको बैक कर देते अपने पेरेंट पोस्ट पर और बाकी किसी दूसरे को बनाते। एक ही बार आप सस्पेंड किए तो उधर भी तो काम है, उधर भी काम किए, इधर भी काम किए। तो ये सरकार जो है रोज़ डॉक्टर गाली सुनता है, जूनियर डॉक्टर गाली सुनता है कि दवा नहीं है, ये नहीं है। बताइए, BSMIL दवाई सप्लाई करता है। पिछली बार उप मुख्यमंत्री आए थे तो यहाँ के व्यवस्था पर पूरा बिगड़े हुए थे PMCH में, उसमें डॉक्टरों की कहाँ गलती थी? मान लीजिए कि टाटा वार्ड में जितना जगह है उससे अधिक 3 गुना पेशेंट रहता है, कोई मान लीजिए कि डेथ हो गया उसको किनारे में रख दिया गया या कोई नीचे सोया हुआ है, तो ये एक्सप्लेनेशन कि नीचे कहाँ सोया हुआ है? अरे जितना बेड है उसी पर बेड पर ना, जैसे आपको IGIMS में, एम्स में बेड से अधिक पेशेंट नहीं रहता है, उसी तरह से पटना मेडिकल कॉलेज को और आपको NMCH को सरकार को चाहिए कि एक लिखित लेटर देना चाहिए कि बेड से अधिक मरीजों का भर्ती नहीं लीजिए। बेड से अधिक होगा तो नीचे सोएगा ही, क्या करेगा? सुपरिटेंडेंट अपने घर में ले जा करके सोलाएगा? तो ये व्यवस्था। और सबसे मुख्य काम है कि जब ये बात हो रही है तो कार्यकारी व्यवस्था जैसे सरकार की चल रही है, कहते हैं ना आपको गवर्नर कि जब तक दूसरा कोई नहीं आता है तब तक, ये 3-4 साल से कार्यकारी व्यवस्था चल रहा है सरकार का, हर मेडिकल कॉलेज में कार्यकारी व्यवस्था में चल रहा है, उसको पहला सुधार किया जाए। और BSMIL जितना दवाएँ दी गई है, 180 या कितना दवा है, वो सारी दवाओं की हमेशा उपलब्धता 2400 घंटा 7 दिन, ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो जाता है दवाई तो 2 दिन 1 दिन BSMIL इसलिए करता है कि IS लोगों के हाथ में है और वो सारा ठिकरा सुपरिटेंडेंट पर या प्रिंसिपल पर ठोक दिया जाता है। तो अगर ये सरकार उनका अविलंब आपको उनका सस्पेंशन वापस करे और नहीं तो आए दिन हम लोग उनके पक्ष में हम लोग कड़ा से कड़ा एक्शन ले सकते हैं।
हड़ताल की जहाँ तक बात है, एक बात मन में होता है कि भाई अंततः तो बिहार की जनता मारी जाएगी, ये जनता। और डॉक्टर, जैसे कि 25 डॉक्टर का पोस्ट है और 22 आपको 15-16 डॉक्टर रहता है, तो आप ही बोलिए 25 मजदूरा का काम 12-13 आदमी कैसे करेगा। उसी व्यवस्था के तरह पटना मेडिकल कॉलेज हो चाहे नालंदा मेडिकल कॉलेज हो, इन कॉलेजों में इतना लोड है मरीज का, तो उसके अनुसार अगर सरकार अपने स्तर से नहीं कर सकती है तो पैरामेडिकल और भी जो सफाई कर्मी और आपको टेक्नीशियन वगैरह नर्सेज का बहाली का पावर दे दीजिए आप सुपरिटेंडेंट को और प्रिंसिपल को। सुना जा रहा है तो जैसा कि देखा आपने, साफ तौर पे आईएमए का डॉक्टर का कहना है कि जो मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने जो किया है वो ठीक नहीं किया है। हम लोग जो किन्हीं को बिना सोचे समझे और एक ही आदमी को किसी को चुनते हैं और उनको सभी चीज़ का जिम्मेवार दे दिया जाता है, वो अपने विभाग का काम देखे या फिर जो अधीक्षक का काम है वो देखे, तो क्या करेगा आदमी। कभी कभी भूल चूक होती है, उनसे एक स्पष्टीकरण मांगना चाहिए था और जवाब मांगना चाहिए था, उसके बाद कोई एक्शन लेते। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें बिहार इन शॉर्ट के साथ। धन्यवाद।